الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. Question number 7 कह रहा है कि استخرج من الدرس أفعال باب أفعال ومشتقاتها. ذرا لیسن سے यानी लेसन को नाइस से पढ़ो, वहां से निकालो बाबी अफ़ाला के जो अफ़ाल वहां है या उनके मुश्तकात, यानी फ़ाले माजी, फ़ाले मुदारा, फ़ाले आमर, इसमें फ़ाइल, इसमें मुश्तक, इसमें मफ़ूल वगैरह ये जो आए हैं तो उनको जरा निकाल कर मतलब दिखा दो है, इसको हम छोड़ते हैं. क्वेश्चन 8 है. अब क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन है जहाँ आपको कुछ मतलब ताबीरात या कुछ अल्फा वर्ड्स सीखने हैं. यहाँ दिखा रहा है आता. आता एक फ़ाइल है. लेसन को पढ़ाते वक्त मैंने थोड़ा इसको छेड़ा था. मैंने कहा था कि आता एक ऐसा फेल है जो जिसको दो मफ़ूलों की जरूरत पड़ती है. कितने मफ़ूलों के? दो मफ़ूल. यानी जनरली तो ये है कि भाई एक फेल है, इसको एक फाइल की जरूरत होती है और मफ़ूल की जरूरत होती है ज्यादा से ज्यादा, अगर ये ट्रांजिटिव फेल हो. अगर ये ट्रांजिटिव यानी अगर ये फेल मुतअद्दी हो, ठीक, तो अगर ये फेल लाजिम हो तो फिर सिर्फ फाइल के साथ मिलकर बात करता है. जैसे हम कहेंगे जलसा हामिदुन हामिद बैठ गया तो ये फ़ाइल लाजिम है, तो बात कंप्लीट हो गई फ़ाइल के साथ मिलकर. लेकिन अगर हम कहेंगे शरीबा हामिदुन हामिद ने पिया, तो आप कहेंगे क्या? तो मैं कहूंगा अलमा या अल्लबना या अल असीरा वगैरह, यानी एक मफूल भी जिक्र करूंगा. यहाँ एक आपको ये हो जाएगा एक कंफ्यूजन सा. आप कहेंगे सर कभी ऐसा होता है, आप कहेंगे जराबा हामिदुन हामिद ने मारा खालिदन व अखाहो. अब यहाँ दो मफूल आ गए ना. जी सर. हामिद जराबा फैल, हामिदुन फाइल और खालिदन एक मफूल व अखाहो, या खालिदन व मुहम्मदन दो लोगों के नाम हम ले लेंगे. खालिदन व जैदन, खालिद और जैद को किसने मारा? हामिद ने. तो यहाँ भी तो दो मफूल है, लेकिन ये दो मफूल नहीं, ये मफूल एक ही है. और वाव जो है वाव आतिफा है, तो दूसरा मफूल जो आपको लग रहा है यहाँ ये मफूल है, ये मफूल नहीं, इसको हम मातूब बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मातूफ. मातूफ यानी हुक्म में ये मातूफ अलैह के मुताबिक होगा, ठीक है. लेकिन अब यहां देखिए आता. आता एक फेल है, जैसे आताई तो मैंने दिया, आता के माना टू गिव देना. आताई तो मैंने दिया हामिदन अलमफूल अलावल, मैंने दिया हामिद को. अब आप अभी तिश्ना रह गए ना, क्या दिया? फिर मैं कहता हूं किताबन मफूल सानी, मैंने दिया आता फेल तो फाइल हामिदन मफूल अव्वल किताबन मफूल बिही. अब आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि यहाँ क्यों आपने कहा कि भाई ये तो मफूल भी ही है, यानी दूसरा मफूल भी ही है, और वहां आपने नहीं कहा. इसका एक सिंपल जवाब आप याद रखिए, वो ये कि अगर मैं वहां दूसरा मफूल काट लूं, जैसे मैं ये कहा जराबा हामिदुन खालिदन व जैदन, अगर मैं व जैदन वहां काट दूं तो सेंटेंस कंप्लीट है. जी सर. लेकिन अगर मैं यहाँ किताबन काट लूं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया. जरा इतना पढ़िए आप, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ. आताई तो हामिदन, हामिदन मैंने हामिद को दिया क्या? सेंटेंस इनकम्प्लीट है ना. जी सर. हाँ, तो यही है फर्क. अलमफूल अव्वल अलमफूल, यानी ये आता फेल है भाई, आपको यूज करना ही करना है दूसरा मफूल, आपको बताना है क्या है. क्लियर हो गया? जी सर. शाबाश. अब आइए दूसरी मिसाल पर. मन आतोका, आतो फेल का अलमफूल अव्वल, अलकिताबा अलमफूल सानी. ये मन जो है ये किसके बारे में यहाँ पूछ रहा है? फाइल के बारे में. आपको किसने दी अलकिताबा किताब? मफूल अव्वल का और मफूल भी ही क्या है? मफूल भी है किताब. शाबाश. जवाब इसका है आतानी नी अलमफूल अवल का बग हो गया चेंज जवाब में अलमफूल अवल. आता नी
अल मफूल अवल नी का हो गया चेंज नी में, और अल किताब यहाँ इसम जो आया था अब इसके बदले जमीर हो गई इस्तेमाल ही या हो, जैसे आप इसको पढ़ेंगे इसका कायदा मैंने पढ़ाया। आतानी है यानी हाजल किताब आतानी है, फिर आ गया इस मन का यानी फाइल का जवाब किसने मुझे दे दी, अल मुदीरो। जी सर बहुत अच्छा, यहाँ आपको वो कायदा जो मैंने एक दिन क्लास में भी पढ़ाया था और शायद मैंने यहाँ भी लेक्चर्स में भी एक दिन आपको बता दिया है कि असल कायदा है जुमला फेलिया में, असल तरतीब है फेलुन प्लस फाइलुन प्लस मफ़ऊलुन बिही, ये असल तरतीब है। जी सर लेकिन कभी इस तरतीब के खिलाफ होता है, जब क्या हो, जब मफ़ऊलुन बिही जो है वो एक जमीर हो, वो एक जमीर हो, और फाइल जो है वो इस्म ज़ाहिर हो। हाँ यहाँ देखिए आप दोनों मफ़ऊल भी आ गए फाइल से पहले, क्योंकि दोनों जमीरे हैं। जी सर दोनों जमीरे हैं है ना, तो इसके बाद फाइल लिखा गया आतानी ही अल-मुदीरो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के मुतालिक ये सवाल है, यहाँ नीचे जो आप पढ़ेंगे ना ये इसी के मुतालिक है। अगर आप मैं आपसे कह रहा हूं आता का, आप एक मर्द, तो आप जवाब देते हैं आतानी, क्या जवाब देते हैं आतानी। अगर मैं यहां कहता आता की, तो यहां क्या जवाब आता आतानी। हाँ सेम, क्योंकि क्योंकि नी जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम है। हाँ ये सेम है, सेम है बिल्कुल। अब अगर मैं प्लूरल पूछता आता कुम, तो यहाँ क्या कहते हैं आप आता ना। ना बहुत अच्छा, आता ना, तो ये क्लियर होगा एक पॉइंट। दूसरा अल किताब मुजक्कर है, तो इसने मुजक्कर ज़मीर इस्तेमाल की ही या हो, ठीक है। हाँ अब अगर कोई यहाँ चीज मोनस होती तो हम क्या इस्तेमाल करते, हा तो हम कहते हैं आता नी हा, ठीक है ना। बस यही है, नीचे क्वेश्चन कहता है तअम्मल अल मिसाल, मिसाल पर जरा गौर करो, सुम्मा अजीब अनिल असिलातिल आतिया अला गिरारही, फिर इसी पैटर्न पर नीचे सवाल के जवाब दीजिए वो अय्यन अल मफ़ऊलैन, और मफ़ऊलैन को यानी दो मफ़ऊलों को जरा मुतय्यन करके बताओ कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। पहली मिसाल है मन आताका अल किताब, मन आताका अल किताब, को किताब किसने दी, जवाब ये यहाँ ब्रैकेट में लिखा है अभी, आतानी है अभी, मुझे ये किसने दे दी, मेरे वाले साहब ने। तो पहला मफूल कहाँ है, नी, नी, शाबाश। दूसरा मफूल हे, हे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अहसन तुम। अब हम वसीम शुरू करो, मन आता मन आता आता खाली, खाली बहुत अच्छा, मुझे ये किसने दे दी, मेरे मामू ने दे दिया, शाबाश। आता नी हा खाली, मुझे ये घड़ी जो है मेरे मामू ने, आपने हा इस्तेमाल किया क्योंकि साथ और मोनस है। जी सर क्लियर, तो पहला मफूल कहाँ है, नी, और दूसरा मफूल हाँ, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मन आता का हाजल कलम, आतानी है अमी, आतानी है शाबाश, लेकिन उम्मी मुज़क्कर है कि मोनस, मोनस, तो फैल को कैसे लाएंगे, मोनस आता क्या बनेगा, मोनस आता हो जाएगा क्योंकि दो साकिन जमा हो जाएंगे ना, आतत आतत नी हि आतत नी हि उम्मी, क्लियर हो गया, आतत नी उम्मी, मुझे ये मेरी उम्मी ने दे दिया। नंबर फोर परत मन आता कुम अल कुतुबा,
آتاناهم المدير آتاناهم الكتب جمع غير متكلم تو کیا لگے گا ہم لگے گا یا ہاں بہت اچھا آتاناها المدير ہمیں یہ کس نے دے دی آتاناها المدير بہت اچھا ارم من آتاك هذا میں اب آتاك نہیں میں آتاك پڑھوں گا اس کو کیونکہ آپ مونس ہے تو میں کہوں گا من آتاك الدفتر نوٹ بک کس نے دے دی آتاناها نا پھر سے سوچو یہاں استعمال کرنا ہے کیا یعنی فائل ہونا چاہیے انت آپ نے مجھے یعنی میں آپ کا فار ایگزامپل میں آپ کا استاد ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ دفتر آپ کو کسی کاپی آپ کو کس نے دے دی آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے مجھے دے دی تو آپ کیا کہیں گے تو الف کس میں چینج ہو جائے گا انت کے بجائے کون سی ضمیر لگائیں گے ہم تو یہ بنے گا آپ نے دی کیا تا بہت اچھا تو آتا اور پھر تا یہاں اجتماع ساکنین نہیں ہوگا مت ہوگا آتا الف کو یہاں میں چینج کریں گے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں اچھی طرح آتا جیسے آپ سورہ ان آتینا کل کوثر میں پڑھتے ہیں نا ان آتینا پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ آپ کے وہاں اس میں ہے کیا آپ کے گاؤں میں پڑھتے ہیں یہ چلو پھر ٹھیک ہے میں نے سوچا پہنچے لوگوں نے خاموشی اختیار کی تو شاید میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ان آتینا آتیتا آتیتی آتیتو آتینا شباش اب ارم بولو جی سر من آتا یا کی دفتر جواب کیا ہوگا یہ ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ یہاں ساری ضمیریں استعمال کرنی پڑیں گی تو پہلے ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے آتائی پھر ہم فائل کی ضمیر لائیں گے تو آتائی تا پھر ہم لکھیں گے کا جو مفعول اول ہے مفعول اول کا نی آتائی تا نی پھر ہم مفعول بھی ثانی جو ہے اس کا ضمیر دفتر مذکر ہے تو ہم لائیں گے ہی آتائی تا نی ہے لکھ کے رکھو آپ کی قسمت تھوڑی تھوڑی خطرناک ہے یہ مشکل ورڈ آ گیا اسی طرح سے بنتے ہیں قرآن میں ایک جگہ ایک دن مطلب یہ ایک میرے دوست نے بھیجا تھا کہ مطلب بہت سا عربی زبان کی خصوصیت کیا ہے پھر اس نے دکھایا تھا کہ دیکھو یار یہ تو عربی زبان کی خصوصیت ہی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ قرآن پر مطلب اس طرح کا کوئی ورڈ آپ نہیں دیکھیں گے کسی اور زبان میں تو اس میں ایک ورڈ تھا شاید مجھے مطلب اس وقت وہ شاید نظر نہ آئے لیکن میں کوشش کروں گا بالکل پھسا یک فی کا ہم اللہ پھسا یک فی کا ایک اور ورڈ افن نلزم کمو ہو کچھ ورڈ تھا تو مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے پوری طرح لیکن میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وہ بتا دوں گا ٹھیک ہے بہرحال تو لاسٹ پوائنٹ ہے من آتا کا الکتاب و دفتر من آتا کا آپ جواب دیں گے آتا نی کیونکہ یہاں ضمیر استعمال کر رہا ہے تو ہم اس کو لاسٹ پہ لکھیں گے آتانی کیا لکھیں گے ہی یا ہما ہما آتانی ہما ضمیری یہ کلیئر ہو گیا ذرا اس کو جو ہے اس کو ذرا اور بھی پریکٹس کیجئے کیونکہ یہ آتا وہ جو ہے آپ بہت اس میں دعاؤں میں بھی کہتے ہیں اللہ آتینا پھر دنیا حسنا و فلاح کرتے ہیں حسنا و کنا ہم نے اس سے پہلے بھی جو ورڈ پڑھا تھا نا وہاں بھی آپ کو یہ آئے گا انا آتینا کل کا اسر یا اسی طرح سے کچھ مطلب احادیث میں بھی آتا ہے یہ بہت ورڈ استعمال ہوتا ہے تو آپ اس کو ذرا اس طرح جب آپ استعمال کریں گے نا ایک اسم ظاہر کے ساتھ تو آسان ہے لیکن جب ضمیر کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا
तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ अभी लिखा है, आप खुद ही इसको बनाएंगे अंता, खाली लिखा है यहाँ बनाएंगे अंते, उम्मी लिखा है यहाँ लिखेंगे आप अंतुम, मुदीर लिखा है यहाँ बनाएंगे आप अंतुन्ना, इसी तरह यहाँ जमीली को भी बनाएंगे अंता वगैरह। तो फिर आप इन्हीं सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्लियर है ना। तो इंशाल्लाह आपको ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, क्वेश्चन 9 पे आइए। यहाँ आपको सिखा रहा है कि भाई तअम्मल अल अम्सिलाता अल आतियाता हां लि वलाउ, किसके लिए वलाउ, वलाउ जो इस्तेमाल है, वलाउ का माने लिखे पहले, इंग्लिश में हम लिखते हैं वलाउ, इवन इफ, अगर चे, उर्दू में अगर चे इवन, और अंग्रेजी में लिखते हैं वलाउ, इवन इफ, अगरचे। जैसे पहली मिसाल है वल्लाहु मुतिम्मु, इसमें यहाँ मीम के ऊपर तशदीद नहीं है, लेकिन आप खुद ही इसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि मुतिम्मु जो है इसके ऊपर तशदीद है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलाउ करिहल काफिरून, और अल्लाह अपने नूर को कंप्लीट करेगा, वलाउ इवन इफ या अगरचे, करीहा नागवार गुजरे, नापसंद करें अल काफिरूना काफिर, अगर काफिर नापसंद भी करें तब भी अल्लाह अपने नूर को क्या कंप्लीट करेगा। मुतिम्मु इसका ट्रांसलेशन कुछ मुफसरीन ने लिखा है अल्लाह विल परफेक्ट हिज लाइट, कुछ ने लिखा है अल्लाह विल कंप्लीट हिज लाइट। हां जी सर। चलिए नंबर 2 देखिए, ला तश्तरी हाजी ही सैयारता, ये गाड़ी मत खरीदो, ला तश्तरी, ये तश्तरी वर्ड जो ये है, क्या नाम है वसीम, ये असल में क्या है, ये फेले अमर है कि फेले माजी, अमर है सर, अमर है या नहीं है, नहीं पहले नहीं है, तो इसमें इसमें इसकी असल शक्ल क्या है, तश्तर, तश्तरी, तश्तरी, शाबाश। तो तश्तरी जो है ये इसका या कैंसिल क्यों हो गया, साकिन की होने की वजह से, ना साकिन नहीं, साकिन नहीं, ला ला की वजह से, ला ने इसको मजजूम बना दिया, मजजूम बना दिया, तो जब उसको मजजूम, वो ऑलरेडी मजजूम था, वो ऑलरेडी बेचारा जज्म वाला ही था, तो उसको दफा कर दिया, ला तश्तरी हाज़ सय्यारा था, इस गाड़ी को मत खरीदो, वलौ अगर ची अजबा का आपको अच्छा लगे, अजबा का आपको अच्छा लगे, लौनुहा इसका रंग, वशक्लुहा और उसकी शक्ल, फइन्नहा कदीमतुन, बस ये क्या है, पुरानी है, पुरानी, जैसे डॉक्टर साहब अगर गाड़ी बेच लें तो आप उसको मत खरीदें, ठीक है जी सर। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 3, उहदुर उहदुर अल इम्तिहान, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, उहजुरिल इम्तिहान, उहजुरिल इम्तिहान, इम्तिहान में हाजिर हो जाओ, वलौ कुंता मरीजन, वलौ अगरचे कुंता आप हो मरीजन बीमार, बीमार, ठीक है, यहाँ कुंता का माने हम करेंगे अगरचे आप हो, न कि अगरचे आप थे, हाँ अगरचे आप हो मरीज बीमार भी हो लेकिन इम्तिहान में हाजिर हो जाओ। नंबर 3, इश्तरी हाज़ल मुजमा, मुजम किसको बोलते हैं, डिक्शनरी, बहुत अच्छा, यहाँ जी इस डिक्शनरी को खरीदो, इश्तरी हाज़ल मुजमा, इस डिक्शनरी को खरीदो, वलौ काना गालियन, अगर चाहिए क्या है, कीमती चीज़ तो खरीदना ही पड़ता है, यहाँ मुराद है महंगी, अगर चाहिए महंगी है तब भी इसको खरीदो। नंबर 5, लन अस्कुना हाज़ल बैत, लन अस्कुना हाज़ल बैत, मैं इस घर में नहीं रहूंगा,
मैं लन अस्कुन हाज, मैं इस घर में सुकूनत इख्तियार नहीं करूंगा। वलाव अगर चि आतई तनी हे, वलाव अगर चि आतई ता आप देंगे हाँ नी मुझे ही इसको, यानी इस घर को, अगर चाहे आप मुझे इस घर को देंगे मज्जानन फ्री, अगर चाहे आप इसको क्या देंगे फ्री, तब भी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। चलिए और एक पॉइंट सीखिए, क्वेश्चन नंबर ये 10 है गालिबन, या इसका जीरो नहीं रहा है, क्वेश्चन 10 है। या आपने लेसन में एक 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 नई तरकीब आज पढ़ी, वो था वो लहाजा मुस्तहिल, लहाजा नहीं लिहाजा, लहाजा यानी असल सेंटेंस है हाजा मुस्तहिल, इट इज इम्पॉसिबल। लहाजा के इब्तिदा में यानी जो मुब्तदा के इब्तिदा में लगाकर इसमें ताकीद पैदा की गई, क्या की पैदा की गई, ताकीद, एम्फेसिस। तो ये कह रहा है हाजी ही लामुल इब्तिदा, ये लामुल इब्तिदा है, लिख के रखो ये लामुल इब्तिदा है, मुब्तदा पर लगता है, किस पर लगता है, मुब्तदा पर, मुब्तदा पर लगता है। जी सर, शाबाश। और क्या माने देता है, किसके माने देता है, तौकीद के माने, तौकीद के माने देता है। इम्तियाज साहब जी सर, आपने लामुल मुजहलका के बारे में पढ़ा है, लामुल मुजहलका, हाँ ये वही लाम है। असल में देखिए लाम यहाँ लाया गया किसके लिए, ताकीद के लिए, ताकीद के लिए। आप फर्ज करते हैं यहाँ इन्ना भी लाएंगे, इन्ना भी ताकीद के लिए आता है ना जी सर। अब हम दो अदातु तौकीद को एक जगह नहीं लिख सकते, अब हम क्या करें, यानी मुझे यहाँ कहना है जैसे कुरान में आया है इन्नल इंसान लफी खुसर, लफी खुसर, तो वहां ये लाम जो है असल में ये लाम पहले था, लल इंसान फिल खुसर, बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन जब इन्ना आ गया, इन्ना अब मुब्तदा पर दाखिल हो गया, और ये मुब्तदा पर जो लाम थी ये लाम अब खबर के पास चली गई, मुजहलक, यानी इसको बोलते हैं जिसको जिसको हम कश्मीर में बोलेंगे या दक दिस पकनो ओकुगनी डोलवा डोलवा नीवू खोदकुम, ये हो सकता है मुब्तदा से अब खबर के पास पहुंचा दिया। जी सर, समझ रहे हैं आप। तो ये है बहरहाल, इसको आप लिखिए लाम लामुल इब्तिदा है ये, तुफीद तौकीद मज़मून जुमला, जुमले के मज़मून को तौकीद पैदा करता है। लेकिन यहाँ जब मुब्तदा पर दाखिल होता है तो लामुल इब्तिदा कहलाता है, जब खबर पर दाखिल होगा तो लामुल मुज़हलका कहलाएगा। ना ना, उसके कायदे है ना, खबर पर नहीं, कभी खबर पर उसका भी दाखिल होता है, जब इन्ना आता है, तो वो इंशाल्लाह कभी मैं पढ़ाऊंगा ना अलग, मैंने आपको कहा ना मैं आपको इंशाल्लाह ये जो है ये कलिमात हैं, मैं इंशाल्लाह अलग माँ की किस्में क्या है, ला की किस्में क्या है, ये ला की पा की वगैरह वो मैं अलग पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक। लेकिन यहाँ एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट सीखने का है, पता है वो क्या है, आप इसी तरह देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा लकुम दीनुकुम वलियदीन, लकुम यहाँ लाम है ना, क्या ये यही लाम है, लाम इब्तिदा, फिर क्या फिर कौन सी लाम है, ये तो लाम तमलीक, लाम है तमलीक बोलते क्या, तमलीक, तमलीक तो चलो दूसरे अंदाज में बोलेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लाम जो है मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि ये लाम जो है बेसिकली हर्फ जर है, हर्फ जर, लेकिन जब हर्फ जर लाम जो है, मिसाल मैं आपको कहता हूँ हाजल कलम लिहामिदिन, ये कसरा वाला होता है, क्या होता है, कसरा वाला, जेर वाला, लिहामिदिन, लिखालिदिन, लिज़ैनबा, लेकिन जब यही कसरा वाला लाम हर्फ जर जब जमीर के साथ लगता है तो ये जबर वाला बनता है, जबर बनता है, जबर वाला बनता है, तो उसको और इसको, हाँ, लेकिन ये लामुल इब्तिदा जो है ये हमेशा अपनी जबर के साथ होगा, ये कभी जेर कबूल नहीं करेगा,
कभी जेर जी सर कबूल नहीं होगा करेगा तो ठीक है। चलिए आप देखिए कुरान की कुछ आयत है, वला अजरुल आखिरती अकबरो, अजरुल आखिरा मुब्तदा है तो लाम आ गया इस पर, और बेशक आखिरत का अजर जो है बड़ा है अकबर। दूसरी आयत वला जिक्रुल्लाही अकबरो, अल्लाह का जिक्र जो है बेशक बड़ा है, यानी अल्लाह का जिक्र है तो बड़ी एक बड़ी चीज है। तीसरी आयत वला अजाबुल आखिरती अकबर, आखिरत का अजाब बेशक है इंडीड एक बहुत बड़ी चीज है। सूरह बकरा में आ गया शादी के बारे में, एक मसला ये कि आप किस लड़की को शादी कर सकते हैं, किस लड़के के साथ शादी कर सकते हैं, और नीचे है किस लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। यहाँ हमें एक बेहतरीन अखलाक की हिदायत पेश की गई थी, वाला अमतुम मुमिनतुन, अमतुन मीन्स हम कहेंगे आज के जबान में बांधी, कनीज यानी गुलाम जो उन वक्त उन दिनों हुआ करते थे। मोमिन गुलाम जो है यानी स्लेव गर्ल, मोमिन स्लेव गर्ल जो है इज बेटर देन मिन देन मुशरिक, एक मुशरिक औरत से बेहतर वो गुलाम लोड़ी है। वलाव आजबतकुम, अगरचे तुम्हें वो मुश्रिक लड़की जो है अच्छी भी लगे, उससे अच्छी है वो मोमिन बानी यानी जिसने ईमान लाया। इसी तरह मर्द ये इनको औरतों को कहा गया वला अब्दुम मोमिनुन, ये मोमिन गुलाम यानी ये मोमिन गुलाम जो है खैरुन बेहतर है मिन मुशरिकिन एक मुशरिक मर्द से। वलाव आजबकुम, अगरचे तुम्हें वो भला ही लगे, ये मुशरिक अगर अच्छा भी लगे वो कितना हैंडसम हो लेकिन उससे अच्छा जो है कौन है, उससे अच्छा वो मोमिन है, वो बंदा है, वो गुलाम है जिसने ईमान को इस्लाम को कबूल किया, जो मोमिन बन चुका। यानी यहाँ आप देखिए कि हमें जो है मतलब मुआशरत के बारे में एक पहला कानून ये है कि भाई आप अपनी मुआशरत को शुरू करने से पहले ये अपनी मुआशरत के मतलब अपनी मुआशरती जिंदगी को शुरू करने से पहले उस वक्त सीरियसली ये सोचे कि ईमान जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फारूक अब्दुल्ला की तरह ये नहीं कहेंगे कि भाई जब उसे कहा गया कि बटस दबुनाद मुसलमान आवा का मैं रिश्ता मैं आवी नहीं कहा सो मे दिस बट से बटा याद मे दिस बट, वो नहीं चलेगा भाई। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जिंदगी का, इस पे तो आपकी आखिरत का दरमदार है। बहरहाल एक हदीस शरीफ में भी आया है मस्जिद से उन्हें मत रोको, ला तमनाउ इसकी जमा आई है, ला तमनाउ इमा अल्लाह मिन मसाजिद अल्लाह मिन मसाजिद अल्लाह कुछ इस तरह। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये सॉरी पार्ट नंबर 6 है, वफिल हदीस लगदवतुन फी सबीलिल्लाह, गदा गदा गदवतुन चुना हमारे पास 10 मिनट बचे, गदवतुन मीन्स सुबह का सफर, अल्लाह के रास्ते में सुबह का सफर, औ रवहतुन या शाम का एक सफर, यानी वो सफर जो आपने सुबह में किया हो या जो शाम में किया हो, खैरुन वो बेहतर है मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और जो कुछ उसमें है। ये याद रखो आप ये ताबीर उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, दुनिया वमा फीहा, दुनिया और यानी इंक्लूडिंग ऑल दैट इट कंटेन्स, द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑल दैट इट कंटेन्स, दुनिया वमा फीहा, द वर्ल्ड एंड ऑल दैट इट कंटेन्स, वमा फीहा जो कुछ भी इस दुनिया में है, उससे बेहतर है अगर आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए शाम में एक सफर करोगे या सुबह में एक सफर करोगे, यानी वो चलना आपका जो है वो अल्लाह के नजदीक इतना इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं आप जी? चलिए अब हमारे पास एक और पॉइंट है असबहा, इसको आप जानते हैं ये मेन अखावत काना है, काना की बहनों में से है, तो उसी की तरह काम करेगा जैसे काना जो है आप जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, मुब्तदा को मरफू और खबर को मनसूब बना देता है, इस तरह असबहा करेगा, असबहा हामिदुन मरीजन, हामिद मरीज बन हो गया, ठीक, यानी आई अद्रकहु असुबह, यानी वो उसने सुबह ऐसे की वो हुआ मरीजन, इस हाल में कि वो बीमार था, उसको सुबह ने पकड़ा इस हाल में कि वो बीमार था,
यानी अश्मना जब जिसको हम कश्मीरी में भी कहते हैं सुबह बीमार, मैं आपको कह रहा हूँ मैं कह रही सुबह फोन आपने फोन नहीं रिसीव किया तो आप कहते सुबह बीमार, यानी असबहत अलयौम असबहत मरीज, यानी आज सुबह जो है वो बीमारी की हालत में की मैं बीमार था। इसी तरह कुरान पाक में वो असबह फुआद उम्मी मूसा फारिगा, और उम्मी मूसा का ये क्या नाम है दिल जो था वो खाली हो गया, that became void, empty. यानी हजरत मूसा जब पैदा हो गए तो उन दिनों जो फिराउन है वो कत्ल कर रहे थे ना सभी बच्चों को, क्योंकि उसको जादूगर ने बताया था एक बच्चा पैदा हो जाएगा वो आपकी तख्त जो है इसको खत्म करेगा आपकी बादशाह को, तो वो तमाम बच्चों को कत्ल कर रहा था। तो हजरत मूसा की माँ को जब बच्चा पैदा हुआ तो फिर अल्लाह ने उसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम इसको एक संदूक में भरो, इसको दरिया में डाल दो, इसको उठाएगा कौन, अदुउन लहू अदुउन ली, वो जो मेरा भी दुश्मन है और इस बच्चे का भी दुश्मन है, लेकिन सुई पालना उन भैया बचते ठीक। तो हजरत माँ का है ना मतलब माँ का दिल तेम तरह पन्न बच इसे जन वीजिए बचन और यहां फिर दरिया में डाल दिया फिर यम में हा? तो फिर उसको ये भी बताया गया कि इसको दुश्मन ही पकड़ेगा ठीक। तो तेमिस क्या हालत आती तो अल्लाह ने इसको उसकी तस्वीर कशी की वो असबह फुआद उम्मी मूसा फारिगा, हजरत मूसा की माँ का दिल जो है खाली हो गया, यानी मतलब उसको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये असबह, लेकिन ये असबह कभी कभी सिंपली सारा के माने में भी आता है, मीन्स टू चेंज, टू चेंज सारा मीन्स हो गया, टू बिकम टू बी, इस तरह असबह जो है सारा के माने में भी आता है। जैसे अल्लाह ने ये फरमाया वो अल्लाह का बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में तालीफ कर दी, तुम्हारे दिलों को यूनाइट कर दिया, एक के साथ दूसरे को मिला दिया, असबह तुम तो आप हो गए बी नियामत ही अल्लाह की नियामत से इखवाना भाई 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 भाई, यानी मुहाजर आए। और इसने ये दुनिया ने पहली बार मेरे ख्याल से देखा है जहां तक मैंने पढ़ा है कि एक कंट्री को छोड़कर लोग आ गए दूसरे शहर में, तो वहां लोगों ने क्या कहा, चलो ये मेरा घर है, इसके चार कमरे है, दो कमरे आपके और दो कमरे मेरे, बल्कि इतना ये भी कहा गया कि जो लोग वहां आए थे इन्होंने उनको अपने जमीनों में भी हिस्से दे दिए ठीक है जी सर। चलिए अब जरा असबह जो है इसको जरा इसको इन जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, अल बर्दु शदीदुन असबह अल बर्दु इसबह नहीं शदीदन असबह असबह अल बर्दु शदीदुन शदीदन दन दन शदीदन शदीदन खबर जो है मंसूब होगी शाबाश। अना मरीजुन असबह तो अना मरीदन ना अना लिखने की जरूरत नहीं है, असबह तो जब आ गया हाँ जब आ गया असबह तो आ गया तो जरूर लिखने की जरूरत नहीं है। असबह तो मरीजन शाबाश। हुम अस्दिकाओ असबह हुम अस्दिकाओ क्या बात हो गई क्या बात हो गई वसीम कितना बड़ा समरसॉल्ट असबह हुम हाँ असबह आपने थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन कैसे बना दिया, ये हक किसने दिया आपको? असबहु हाँ अब आ गई असबहु हुम वो लोग सिंपल थर्ड पर्सन वाह वाह जमा लगाना है हुम अस्दिकाओ वो दोस्त है असबहु अस्दिकाओ वो दोस्त बन गए समझ आया जी सर। चलिए अब इसी तरह से एक और ये फेल है आउशा का, ये भी क्या है इस कुरकरुब के माने में यानी नजदीक होना, ये भी मेरा कवायत काना है काना की बहनों में से, मगर इसकी खबर के साथ एक चीज है वाजिब और वाजिब है आई यकून खबर हो कि इसकी खबर हो मुकव्वनन हाँ मुकव्वनन कंसिस्टिंग ऑफ मिन अन वल फेल, इसकी खबर हमेशा अन और फेल होती है फेल मुदारा होती है फेल मुदारा। जैसे मिसाल आवश्यक अदरसु अयंतही आवश्यक फेल अदरसु ये सॉरी इन काना की बहन अदरसु इस्मुहु
इसमुख इसम इसका अवशक अवशक और अयंत ही इसकी खबर है। काना की बहनों में से एक बहन अवशका है जिसकी खबर जरूरी है कि वो क्या हो, अन और फैल, अन और अन और फैल। ये आप कई और पढ़ेंगे, असा के साथ भी पढ़ेंगे आप, लेकिन फिलहाल मैं अपनी इसको डिस्कशन को यहीं तक महदूद रखता हूं। लेकिन ये अवशका जो है, जैसे काना का मुजाहरा भी इस्तेमाल होता है ना, काना यकूनो, तो इस तरह इसकी भी इसका भी मुजाहरा यूशिको, जैसे यहां जहां मेरा ये है कर्सर है ना, यूशिको अत्तुल्लाबो अन्यर्जिउ इला बिलादिम फिल इजाजते, यूशिको अत्तुल्लाब। ये अवशका और यूशिको ये माजी है और मुदारा है। इसके माने है टू बी अबाउट टू बी या सॉरी इज अबाउट टू बी अबाउट जैसे ऊपर की मिसाल अवशका अतरसो अयंतही, यानी लेसन जो है द लेसन इज अबाउट गेट कंप्लीटेड या कम टू एंड एंड द लेसन इज अबाउट कम टू एंड एंड कम टू फिनिश। ओके यूशिको अत्तुल्लाब द स्टूडेंट्स आर अबाउट टू ayarji'u to return back ila biladihim to their countries fil ijazati in fil ijazati ijazat means vacation ne for vacations ya in vacations chuttiyon mein wo ab nazdeek hai ki wo apne bilad apni countries ko wapas aayenge theek hai to yaad rakhiye aushaka kana ki behan hai isme koi shak nahi ये तो ठीक है लेकिन प्रॉब्लम ये है जैसे कान और इसकी बहनों के बारे में आज तक हमने पढ़ा कि भाई एक ये मुब्तदा और खबर पर इस्तेमाल होते हैं और मुब्तदा को मरफू यानी पेश वाला और खबर को मंसूब यानी जबर वाला बना देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि आवश्यकता के साथ कि इसकी खबर जो है वो अन प्लस फेल होती है, तो जब अन प्लस फेल है तो इसकी खबर कुदरती सी बात है उसके ऊपर जबर जाहिर नहीं होगी, उसके ऊपर जबर जाहिर बल्कि अन जो है अपना काम करेगा अगर उसके बाद फेले मुदारा हो। आज का लेक्चर हमारे पास अब कुछ ही सेकंड बचे हैं, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और शायद हम इंशाल्लाह कल दूसरे लेसन को भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।